दूसरे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने जन्मदिन, प्राकृतिक दृश्य, वर्षा ऋतु, चित्र पाठ का अध्ययन किया। अब हम चलते हैं पद्य की तरफ, यानी कि कविता, जो आपके हिंदी का दूसरा पाठ है। पाठ का जो शीर्षक है, पथ मेरा आलोकित कर दो, जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। प्रस्तुत कविता में कवि पथिक और चिड़िया के नन्हे बच्चों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ईश्वर से वरदान मांगते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे पथ को, हृदय के अंधेरे को दूर करिए और हमारे मार्ग को सरल बनाइए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम कविता का स्वसर गायन करेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ और कठिन शब्दों को समझेंगे। तो देखो बच्चों, जो कवि द्वारिका प्रसाद हैं, वह अपनी बात, अपनी भावनाएं एक नन्हे बालक के माध्यम से किस तरह से व्यक्त करते हैं और ईश्वर से आग्रह करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह पहला पंक्ति, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल रश्मि से। अब देखो बच्चों, पथ, पथ यानी क्या होता है, रास्ता। पथ का मतलब रास्ता, पथ यहाँ पे रास्ता। अब है आलोकित, आ लो की, आलोकित यानी प्रकाशित करना का। अब है नवल, नवल यानी नया, नया। अब इधर है प्रात, प्रात यानी सुबह। अब रश्मि, रश्मि यानी होता है किरण। अब उर, उर का अर्थ है या मन। देखो बच्चों, कवि पहली पंक्ति में एक बच्चे के माध्यम से कहते हैं, एक बच्चा ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है, हे ईश्वर, आप हमारे मार्ग को, जीवन का जो मार्ग है, उसे सरल कर दीजिए, उसे प्रकाशित कर दीजिए। जिस तरह से सूर्य की नई किरण रात के अंधेरे को दूर करके एक नई ऊर्जा लाता है, ठीक उसी तरह से हे ईश्वर, आप हमारे हृदय के अंधेरे को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दीजिए, उससे प्रकाशित कर दीजिए। एक नन्हा बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब अगला है, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा बिहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ, पहुँच सकूँ निर्दृक्ष लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। देखो बच्चों, नन्हा यानी छोटा, पथिक यानी राही या यात्री, जो पथ पर
या राही पथ पर चलने वाला। नंदा यानी छोटा सा। अब देखो सी ना मतलब सीखा। बिहग यानी बच्चों, बिहग यानी पक्षी। बिहग पहुँच सकूँ, यानी कि जो मेरा दूर उड़ने का जो उद्देश्य है वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। ये छोटा सा बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब अगली पंक्ति देखिए। पंख बहुत नंदिए हैं मेरे, ऊंचा अधिक ना उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। सत्य मिले तो मैं उड़ पाऊँ, मैं मेरे ही कुछ ऐसा कर दूँ। हे ईश्वर, एक नन्हा बच्चा कहता है पक्षी कि हे ईश्वर, मेरे पंख अभी बहुत नरम बहुत छोटे हैं और जो मेरा दूर उड़ने का जो लक्ष्य है वह वहाँ तक मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। हे ईश्वर, मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो या मेरे अंदर कुछ ऐसी ताकत भर दो जिसकी वजह से मैं अपने उद्देश्य तक पहुँच सकूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति दे दो या मेरे हित में मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं अपने उद्देश्य तक पहुँच सकूँ। देखो अब आगे देखिए। बच्चा बोलता है कि पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। एक नन्हा बालक ईश्वर से प्रार्थना करता है, उनसे कामना करता है, अपनी मन की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है, हे ईश्वर, इस जग में मुझे जितना कुछ मिला है, इस जग से जो कुछ भी मैं ज्ञान अर्जित किया हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी यही मनोकामना है कि उससे अब जो कुछ भी मुझसे इस दुनिया में मिला है और जो भविष्य में अभी तक मिलेगा उससे कई गुना मैं इस संसार को दे सकूँ। कि मनोकामना है या मेरी उससे कहीं अधिक दे पाऊँ, मतलब मेरी मन की यही इच्छा है ईश्वर कि जो कुछ भी मुझे इस संसार में दिया है या जो कुछ भी मैं भविष्य में अर्जित कर सकूँगा उससे कहीं मैं कितने गुना अधिक मैं इस संसार को दे सकूँ। और देखो अगला लास्ट है। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय बन दूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मनोकामना, मनोकामना का क्या मतलब है? मन की इच्छा, मन की इच्छा। अब देखना अगला है धरती यानी पृथ्वी। बच्चा ईश्वर से यह वरदान मांगता है, कल्याणकारी वरदान मांगता है कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो जिसकी वजह से मैं इस धरती को स्वर्ग बना सकूं। देखो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने एक नन्हे बालक और नन्हे पक्षी के माध्यम से अपने विचारों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारी मार्ग को प्रकाशित कर दीजिए, सरल बना दीजिए और हमारे हृदय के अंधेरे को, अज्ञानता को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दीजिए और मुझे ऐसी ताकत दे दीजिए कि मैं इस संसार के मार्ग पर चल सकूं और मुझे कुछ